श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यमात्मनिवेदनं। आप लोग इसको दोहराइए, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यमात्मनिवेदनं। अर्थात पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के नौ भेद है, नौ प्रकार के भेद। रामायण में आता है नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम सब एक ही है, लेकिन उनका जो स्वरूप है ना उसमें अंतर है। स्वरूप मतलब जो सगुण स्वरूप है, सगुण साकार। जैसे कृष्ण का जो जन्म है तो परमात्मा का सगुण साकार रूप है, और राम जी का सगुण साकार रूप है जो अवतार लिया। तो वो राम जी हमारे इष्ट भी हैं और हमें बहुत प्रिय भी है।
आपको जान के बताऊं, सच में हम भागवत कथा अपने जीवन में आज तक सिर्फ हरिवंश लाल जी की सुना रहे हैं, राम ही कथा करते हैं। देखो कथा सुनाना ना बहुत बड़ा काम नहीं है, कथा सुनाना एक एक कला है। अगर आपको कला ये पता है तो कुछ भी आप पढ़ लीजिए और उसको सुनाना, आप सुनाएंगे लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन जो हमारे अपने रुचि का विषय वो राम कथा है। अब इनका आग्रह रहता है तो हम कहते हैं चलो, इसमें हमको सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, इसी बहाने पूरा शास्त्र का अवलोकन हो जाता है। और सच में बताऊं ना, राम कथा हम सुनाते जरूर हैं, लेकिन भागवत इतना इतना सुंदर ग्रंथ है ना कि आप पढ़ो ना तो आपका मन हटेगा ही नहीं। इसमें इतने भक्त, राम कथा में तो सिर्फ राम जी का चरित्र है, थोड़ा हनुमान जी का है, थोड़ा भरत जी का है, लेकिन इसमें तो कई भक्तों का बड़ा चरित्र है। और मन में आता है कि क्या सुनाएं क्या छोड़े, समय की सीमा फिर बात देती है। लेकिन खुद को बहुत अच्छा लगता है कि इसी बहाने साल में एक बार पूरा भागवत पढ़ता हूं। जैसे हम यहाँ आए, आपको पता नहीं होगा, हम 18 तारीख को यहाँ आ गए हैं और 18 से लेके 29 तारीख तक हम खाली पढ़ाई कर रहे थे, पूछे कहीं घूमने नहीं गए, बस बहुत मन किया तो थोड़ा सा वन रोडू वाले रोड पे चले गए और एक दिन तक वो वन रोड पे चले गए और कहीं नहीं गए। तो उसमें अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और भगवान की लीला के बारे में जान जान मिलता है। तो क्या होता है ना कि जो पक्ष होता है ना, पक्ष भगवान ही नहीं पक्षपाती है, भगत लोग ही पक्षपाती होते हैं। हमने कहा राम जी क्यों छूटे, कृष्ण कथा अभी राम कथा आएगा थोड़ा आगे चल के, कल की कथा में राम जी का और कृष्ण जी का जन्म होगा, हम लोग खूब अच्छी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, भजन भी सुनेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के भक्ति का 9 भेद है। एक तो श्रवण करना, कथा सुनना, और उन्हीं का विष्णु का कीर्तन करना, दो हो गया। स्मरणम, उनके नाम का सुमिरन करना। 3, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करना, सुबह उठ जाना, नहा धो के भगवान को स्नान कराना, उनको तिलक चंदन लगाना, फिर किचन में जाना, जो घर वालों के लिए बना रहे हैं उसको पवित्रता के साथ बनाना और भगवान के सामने लाके रखना कि हे प्रभु जो भी रूखा सूखा हमारी राम मड़ैया में है स्वीकार करिए। तो पाद सेवनम, स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, 4 हो गया। अर्चना, अर्चना करना मतलब उनकी पूजा पाठ करना, वंदना करना, उनका बार बार उनको नमन करना। दास्यम, अपने स्वयं को सेवक भाव में रह के और हर वक्त सेवक स्वयं और प्रभु सेवते स्वामी। साथ्यम, मित्रता का भाव कितना हो गया, 5-3-8 हो गया। और एक है आत्मनिवेदन, आत्मा की जो भी भावना है प्रभु के सामने रखना, कितना सरल है, एक ही श्लोक में भक्ति के सारे अंगों का उल्लेख प्रहलाद जी ने कर दिया। यही 9 भक्ति को अलग तरीके से उधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के मुख से कहलवाई, प्रथम भगत संतन कर संगा। श्रवण कैसे होगा जब संतों का साथ होगा तब न होगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा होते हैं तो खैर उस पर जाते नहीं जाते हैं। प्रहलाद जी के सहपाठी ने पूछा, प्रहलाद जी इन दोनों पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम जानते, फिर ये ज्ञान की बातें कहां से तुम सीखते हो।
प्रहलाद जी कहते हैं, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मद्राचल चले गए थे, तब हमारी माँ को नारद जी बहुत सत्संग सुनाते थे और मैं अपनी माँ की पेट में ये सारी बातें सुनाता था। इसे सीख क्या मिलती है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको सही वातावरण, सही संस्कार में रहना चाहिए, क्योंकि जो संतान आएगा वो भी वैसा ही होगा जैसा वातावरण हम उस काल में लेते हैं।